ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर और स्पाइसी स्टोरी कौन नहीं देखना चाहेगा। ऐसे एनिमे हम जैसे वीब्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो इस एनिमे का नाम है आई वॉज रिकार्नेटेड एज द सेवेंथ प्रिंस और इसका नाम कतई लंबा हो रखा भाई। और ये स्प्रिंग सीजन 2024 का एनिमे है विद ओवर 12 एपिसोड जो जैपनीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है प्रिंस लॉयड के पास्ट लाइफ की डेथ से, जहां लॉयड एक कॉमनर होता है। लेकिन अब गेम पूरा चेंज है क्योंकि लॉयड इस न्यू लाइफ में रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन लॉयड को इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉयड सिर्फ एक चीज से ऑब्सेस है और वो है मैजिक। और ये ऑब्सेशन सारी हदें पार कर देती है जब लॉयड एक पावरफुल डीमन को अनसील कर देता है सिर्फ डार्क मैजिक का पावर चेक करने के लिए। और ये कारनामा बस एक शुरुआत था लॉयड के एडवेंचर्स का। लॉयड के पास अनलिमिटेड मैजिक पावर तो था लेकिन लॉयड को अभी भी बहुत कुछ सीखना था और ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखता है जैसे जैसे इस लॉयड का जर्नी कंटिन्यू होता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनको सीरीज में ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कैरेक्टर लॉयड दिस सोल्यूम जो रिकार्नेटेड हुआ है एज अ सेवेंथ प्रिंस और ये मैजिक ऑब्सेस नर्ड है। और सेकंड कैरेक्टर है सिल्फा लैंग्लिस द सिल्वर ब्लेड और ये लॉयड की पर्सनल मेट के साथ साथ बॉडीगार्ड और मेंटोर भी है। और थर्ड कैरेक्टर है लॉयड का ब्रदर एल्बर्ट द सोल्यूम सेकंड प्रिंस और एल्बर्ट लॉयड का बहुत ज्यादा केयर करता है बाकी के सिबलिंग्स से। और फोर्थ कैरेक्टर है ताओ युइफा जो एडवेंचरर है और मार्शल आर्टिस्ट है। और फिफ्थ कैरेक्टर है लॉयड का फादर चार्ल्स द सोल्यूम और इस लेजेंड की बात कैसे न करें क्योंकि 13 चिल्ड्रन तो किसी लेजेंड के ही हो सकते हैं। और इस एनिमे का एनिमेशन वीएफएक्स और कैरेक्टर डिजाइन परफेक्ट है, जरा भी कहीं पे भी ऑड नहीं लगेगा। और इसका थीम सॉन्ग और साउंड इफेक्ट टिपिकल फैंटेसी एनिमे के जैसा है जो अच्छा होता है लेकिन ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करता। और ये एनिमे काफी अच्छे से एंटरटेन करती है जो एपिसोड एंड पे सस्पेंस क्रिएट करके जाते हैं जिससे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक है स्प्रिंग सीजन 2024 के एनिमे रिलीज में। तो सवाल ये है कि ये एनिमे है किसके लिए? तो ये एनिमे है उन सभी लोगों के लिए जो अनदर वर्ल्ड ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर और मैजिकल वर्ल्ड देखना अच्छा लगता है। तो जाओ यार जाके इस एनिमे को देखो, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।